आज चाय का जो मेन्यू है देसी टोटल दही बड़े छोले गोलगप्पे और शामी जवाब। टेस्ट बहुत अच्छा इसका। मैंने बिल्कुल बनाया झूठी, ऊपर से मसाला डाला है, मैंने लगा आपने बनाया। अच्छा खैर है, चलता है। पानी कम डूब जाओगे, पानी डाल डूबने के लिए नहीं है। हेलो हेलो यूट्यूब फैमिली, सो कॉल्ड संडे है। सो कॉल्ड मैंने इसलिए कहा आज अब तक मैं क्या क्या कर चुकी हूँ। कोई हो रहा है इस वक्त टाइम 2:30 बज रहे हैं और सुबह मैंने उठी हूँ 9 बजे। उसके बाद मैंने अपनी अम्मा के साथ नाश्ता किया है। उसके बाद सोचा कि मैं ब्लो ड्राई कराने के लिए चली जाऊँ, तो मैं क्विकली शावर लिया। लेकिन वो सारी क्रैप के बाद कि घर में ये नहीं है और टमाटर नहीं है और आलू नहीं है और चावल नहीं है और ये सब, इन सारी की एक लिस्ट बनाने के बाद मैंने सोचा मैं ग्रोसरी भी करूंगी और उसके साथ साथ मैं जाके मिस्का से ब्लो ड्राई भी करा के आऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं वहां पहुंची तो मुझे इतनी सारी औरतें नजर आई, तो मैं पीछे हट गई। मैंने बोला कि आज तो बहुत रश है और मिस्का ने कहा नहीं आज तो कोई प्राइवेट रूम भी खाली नहीं है। चलो वापस घर में चलते हैं। घर आज मेरा दिन है क्या, संडे। तो संडे अब मैं वापस जब आई हूँ वहां से ग्रोसरी से, तो मैंने अपने भाई और अब्बा के साथ बैठ के लंच किया है और अम्मा के साथ बैठ के। उसके बाद बच्चों के उठने का टाइम हो गया। संडे को अमूमन बच्चे इसी वक्त उठते हैं, तो वो टाइम हो गया। तो उसके आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें भी चल रही हैं। मेरी फ्रेंड आई हुई है तो उसके साथ भी बातचीत चल रही है। मैंने अपनी कजन सिस्टर को, मामू की बेटी को, जो कि विजिट कर रही है पाकिस्तान आजकल, तो उसको आज चैट पे बुलाया हुआ है। और फिर आज अस्मा अब्बास साहिबा जो हैं उनके खूबसूरत कपड़ों की जो है वो एग्जीबिशन भी है एरिया 51 में, वहाँ भी जाना है। तैयारी शुरू करते हैं। मुझे अभी ये नहीं पता कि कौन से कपड़े पहनेंगे, लेकिन बाहर आए जो माहा ने निकाले हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, मेरी टीम के लिए ना मेरे क्लॉजेट से कपड़े निकालना खासे मुश्किल होते हैं। वो इसलिए मुश्किल होते हैं कि मेरे क्लॉजेट में सिवाय सफ़ेद के और ऑफ वाइट के कुछ है ही नहीं बेचारों को। बड़ा और मसला ये है वाइट का कि मैं जब भी नया कपड़ा भी पहन के जाऊँ तो मेरी टीम या बाकी सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड समझते हैं मैं वही 4 कपड़े हैं मेरे पास जो मैं पहनती रहती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे पास वाइट बहुत ज़्यादा मिकदार में है। तो आज के दिन के लिए 2 एटलीस्ट आउटफिट चाहिए थे। ये जनरेशन का मैंने बहुत पहना है। जनरेशन है ना, जनरेशन जिंदाबाद। जब और कोई समझ में नहीं आता तो अवामी ड्रेस जिंदाबाद। सो ये प्रॉबली विल बी वेयरिंग दिस, क्योंकि मैंने इसको बहुत पहना है। इसको मैंने वो कहते हैं कपड़ों पर रगड़ दी। और एक ये है शमशा हाशमी। शमशा हाशमी मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये ट्यूनिक, लेकिन उसके मैंने पहना नहीं आज तक। लेकिन थोड़े रंग वाले कपड़े मुझे पहनने थोड़ा सा खौफ आता है। ये अभी तक इतना खूबसूरत है ये पीस, तो इसके लिए प्रॉबली ये होना तो ऑफ वाइट वाइट चाहिए। बट एनीवेज इसके ऊपर ये चल्स ये पहनेंगे। अब मैं जाती हूँ और नीचे देखती हूँ कि किचन में क्या होता है। अच्छा जी, आज चाय का जो मेन्यू है देसी टोटल दही बड़े छोले गोलगप्पे, सलमान के गोलगप्पे वो मैं आपको दिखाऊंगी, और शामी कबाब। शामी कबाब जब हमारे यहाँ चाय होती थी हमारे बचपन में, तो हमारे यहाँ शामी कबाब ज़रूर होते थे। कोई भी मेहमान आए तो अम्मा सबसे पहले शामी कबाब, क्योंकि वो रेडी लिए अवेलेबल होते थे। नीमको बहुत हुआ तो फ्रूट चाट टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा है। अब तो बड़ी फैंसी चीज़ें हो गई। तो अब हम देख के चलते हैं और मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी दोस्त से। अस्सलाम। तरबूज काट के मैं सोच रही हूँ। हाँ, तरबूज शरबत। तरबूज नहीं शरबत या काट के रखते हैं। नो नो सही ना है, सही सूद एक मिनट। चलो ठीक है फिर। नहीं नहीं नहीं, तरबूज और शरबत बना लेते हैं। कबाब कर दिए, कबाब ये मिला दो थोड़ा सा। मुझे नहीं कम लग रहा है। नहीं नहीं बहुत कम है। नहीं नहीं मैं अभी इन लोगों को ये बताई थी कि हमारे बचपन में जब कोई चाय पे आता था तो क्या होता था। शामी कबाब हमारा अभी भी बचपन है वैसे। शामी कबाब और शामी कबाब के साथ बहुत हुआ तो फ्रूट चाट वगैरह, वरना नीमको जिंदाबाद। और इसमें लाल रंग की मूंगफली होती। ओह क्या मजा है ना, लाल रंग। नहीं और वो बेसन वाले जो गोल गोल होते हैं, क्या कहते हैं। अच्छा वैसे ना वेरी नाइस, लेकिन ठीक है। देखिए शक्ल पे ना जाइएगा बिल्कुल, इनका जायका बहुत अच्छा है छोलों का। और वैसे मैंने चाहा था ये सारी, मुझे जहर लगता है सारी चीजें मिक्स करी हुई। वो होता है ना साइड हर बोल में डिफरेंट, वो बहुत मजेदार चीज है। और ये खट्टे आलू, लेकिन खट्टे आलू थोड़े से जरा ज्यादा गहरे रंग के हो गए। खैर खैर है, चलता है। हाँ ठीक। तो ये अभी हमने टेबल सेटिंग की, अभी इसके ऊपर चीजें आ रही हैं। इससे मुझे बहुत चिड़ा भी, गुस्सा भी आ गया है, क्योंकि मैं सोचती थी अलग करेंगी यार। नहीं कहा उनको मैंने ये था कि मिक्स कर दे, लेकिन ऐसे नहीं मिक्स करूंगा था कि उनको उसको खिचड़ बना, चिकड़ बनाते हैं। चिकड़ नॉट खिचड़, बट टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। मैंने तो बिल्कुल बनाया झूठी, ऊपर से मसाला डाला है, मुझे लगा आपने बनाया। अच्छा जैसे अभी हम बहुत स्ट्रेस में, क्योंकि गर्मी बहुत है और हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। टाइम बहुत हो गया, चलते हैं नीचे पड़ा। इंतजार था, इसकी वजह से चाय बन नहीं रही थी। अब बन गए गोलगप्पे। संडे को अगर गोलगप्पे ना खाएं, संडे का मजा ही नहीं आता। और गोलगप्पों को चम्मच से नहीं खाते, गोलगप्पों को ऐसे करके ऐसे करके उसमें और ऐसे डुबो के ऐसे मुँह रखते हैं। रुक जाओगे, पानी डाल डूबने के लिए नहीं है। गोलगप्पे सही है या मीठी पानी पूरी? गोलगप्पे की बास्केट ले आओ। तैयार होना है और फिर जाना है दूसरे इवेंट के लिए, अस्मा अब्बास की एग्जीबिशन। 5 मिनट वाला मेकअप नॉर्मली भी ब्लॉक लगाती हूँ बेसिक्स का, आप सब लोगों को बताया जैसे। सो मैं इस वक्त बेसिक्स का एक्सपोज लगा रही हूँ और नंबर 3 इज़ माई शेड। मैं मोस्टली अगर कॉन्टोर करना हो इस वक्त मुझे कॉन्टोर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अदरवाइज़ मैं 6 मिला भी लेती हूँ दूसरा शेड। इस ब्रश को बेस के यूज़ करने की टेक्निक है, वह है एयर ब्रशिंग। एयर ब्रशिंग, आप इसको रगड़ना ऐसे नहीं है स्किन के साथ, ये डार्क करके और एयर ब्रशिंग, एयर ऐसे जैसे हवा में आप ब्रश चला रहे हैं। इसे बेस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत फिनिशिंग के साथ लगती है, बहुत पेस्टी लुक में होती है, पूरी फिनिश लुक आती है। और यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट नजर आ रहा होता है, यहाँ से कान डिफरेंट कलर के होते हैं, बट मेरे साथ ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारी खवातीन के साथ ऐसा हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब ये टैप किया करें एक जल्दी से यहाँ भी ब्रश। ठीक, सो रेडी। अब हम जाएंगे एग्जीबिशन पे और आपको खूबसूरत कपड़े दिखाएंगे अस्मा अब्बास। आपकी इंस्पिरेशन है? मेरी इंस्पिरेशन है चिड़िया, मोर, हाथी, और ये भी मैं लेने जा रही हूँ। और मुगल बादशाह, ये देखें एक तो ये बाल देखिए, ये इतने बाल आपने बनवाया ना, मैं तो मेला लूट गया मेरी से, क्योंकि मेरी बात छुट्टी हुई है। सो थैंक यू सो मच दैट शी इज हियर। इनके आने से हमारे जगह पे चार के लिए इतने प्यारे कपड़े। मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है, हमारे वो आर्टिस्ट, हमारा वो टैलेंट जो शायद कभी लोगों ने, नई जनरेशन ने देखा भी नहीं था, उन्हें पता भी नहीं है। आपने ना अपना जो चीज़ थी ना, अपनी मोहब्बत में डालकर उन लोगों के नामों पर कपड़े, या फला कुर्ता और ये रानी कुर्ता और सबके नाम, तो वो अच्छी चीज है। मैंने अपना सारा ब्रांड बहुत प्यारी बात है। आई विश कि हम अपने सारे, हमारे यहाँ होता ही है कि हम इतने बाहर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि हम बाहर के लोगों की चीज़ें, काम, विच इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन हमारी अपनी चीज़ जो है उसको प्रमोट, हाँ उसको प्रमोट करना। अपने कपड़े, ये जो अजरक का प्रिंट है, इससे खूबसूरत प्रिंट दुनिया में नहीं है भाई। और उसको फिर तरीके से उसको यूज करना, हाँ ये जो सिक्के हैं, हाँ, ये चवन्नियाँ उतार के जब आपके पास पैसे खत्म हो जाए उतार के आप इससे आलू भी ले सकते हैं। प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा। आई एम श्योर जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए और पेजेस के जरिए, अगर हमने गिफ्ट भी देना है तो ये बहुत प्यारा ऑप्शन हो सकता है कि हम ऐसे डिजाइनर्स का दें जो अपने लिए काम कर रहे हैं, जिनके काम में पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जरूरी है बहुत। हमारे पास इतना कुछ है तो हमें चाहिए कि हम वही करें। अब ये जो मेरे अल्फाबेट्स वाले कुर्ते, हाँ मैंने भी लिया है, वो दिखाओ ना, वो अलग वाले कुर्ता दिखाओ, रूफी तहजी वाले जो कुर्ते हैं इन्होंने अपने बेटे को भी पहना दिया और मुझे भी पहना दिया। ये देखिए तुमने ये आइडिया बड़ा अच्छा है। आपने अपना फुट प्रिंट करवाया? जी मैं फुट प्रिंट कराती हूँ और कई दफ़ा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि प्रिंट को खत्म हो जाए। मैंने पहले बाजार से लेती थी, हाँ, लेकिन वो फिर लोग जब मांगते थे खत्म और होता नहीं था, मैंने अब फुट प्रिंट कराना है। लेकिन डिजाइनर आउटफिट में अब ये बहुत कम होता है ना, गोटे अजरक इस तरह के आइटम्स हम नहीं यूज करते। और ये बारीक वाला गोटा है, देखे ना बारीक है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये तो चंपा है और ये उसको धनक बोलते हैं। हाँ कैसा शायद देखो कैसी हो बेटी, आप ठीक है, खैरियत से? ओके जी, अल्लाह हाफिज। अब हम घर चलेंगे और अब टाइम बच्चों का है, नो अदर कमिटमेंट।